हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, शाही वेज पुलाव। शाही वेज पुलाव आज मैं कढ़ाई में कुक करूँगी। आप देख सकते हैं हमारे जो पुलाव बने हैं कितने ज़्यादा खिले खिले बने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपके भी पुलाव बनेंगे, तो चलिए हम लोग शाही वेज पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शाही वेज पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पर चावल ली हूँ, जिसको पहले से मैं साफ़ कर ली हूँ अच्छे तरीके से, और इसे मैं 15 मिनट के लिए सोक कर ली थी और इस तरीके से छन्ने में छान कर रख ली हूँ। मैं यहाँ पर चावल ग्लास से मेज़र करके ली हूँ, इस ग्लास से 1.5 ग्लास चावल ली हूँ। आप चाहे तो किसी भी ग्लास से चावल को मेज़र करके ले सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वाटर यहाँ पर डालना होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वेजिटेबल में मैं यहाँ पर एक बड़ा गाजर कटिंग किया हुआ ली हूँ, और लहसुन अदरक और मिर्ची को इस तरीके से बारीक आप क्रश कर ले किसी चीज़ से, आप चाहे तो इसे बारीक काट कर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बड़ा साइज का शिमला मिर्च काट कर रख ली हूँ, यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज मैं कट कर कर ली हूँ, और फ्रेश मटर के दाने मैं यहाँ पर ली हूँ, और बीन्स काट कर ली हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पनीर ली हूँ, इस तरीके से मैं इसके छोटे और टुकड़े कर लूँगी, और यहाँ पे मैं सोया बड़ी पहले से बॉईल करके ली हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं थोड़े से किशमिश और काजू भी ले रखी हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। और यहाँ मैं गर्म मसाला में मैं एक तेज़पत्ता ली हूँ, और एक जावित्री, 1 स्टार एनिस, और एक दो टुकड़े में दालचीनी के भी रख ली हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और पुलाव के अंदर। और यहाँ पे मैं 2 छोटी इलायची क्रश करके ली हूँ, 1 बड़ी इलायची इसे भी मैं क्रश कर ली हूँ देखिए, और यहाँ पे 1 से 2 टुकड़े में दालचीनी की भी ली हूँ, 1-2 लौंग ली हूँ, और इस तरीके से इससे बहुत ही अच्छा बढ़िया फ्लेवर आता है गर्म मसाले से, खड़े गर्म मसाले डालने से। और यहाँ पर मैं हल्दी ली हूँ थोड़ा सा, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें आप। सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख ली हूँ, अब गैस ऑन कर ले रही हूँ, और तब तक मैं हमारी कढ़ाई गर्म होती है जब तक हम पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं, और हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें घर के निकाले हुए देसी घी डालूँगी 2 चम्मच, आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इस तरह से घी को चारों तरफ फैला दें। अब मैं इसमें कटे हुए पनीर डाल दूंगी, पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेने से अच्छा रहता है, ये दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को फ्राई कर लें। अब मैं इसमें सोया बड़ी भी डाल दूंगी, सोया बड़ी को भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ, 2 टुकड़े में काट ली हूँ, इससे अच्छे से हमारे और राइस के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। आप इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर फ्राई करके डाल रही हूँ। कि फ्रेंड्स, हमारे सोया बड़ी और पनीर फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख ले रही हूँ, और अब मैं इसके बाद इसमें फिर से थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, और इसमें मैं अब ड्राई फ्रूट्स को हल्के से फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं काजू डाल लेती हूँ। काजू को भी मैं अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक से फ्राई कर लूँगी, और अब मैं इसमें बाकी के गरम मसाले जो है मैं इसमें डाल दे रही हूँ। पहले तेज़पत्ता, स्टार एनिस, जितने भी गरम मसाले मैं रखी थी सबको एक एक करके मैं डाल देती हूँ।
गरम मसालों को यहाँ पर आपको दम लो, यहाँ पे फ्लेम आपको गैस की फ्लेम थोड़ी लो रखनी होगी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें लास्ट में किशमिश भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, और ये भी अब फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं सब्जियों को इसी कढ़ाई में फ्राई करूँगी। सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ थोड़े से। आप चाहे तो सब्जियों को घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। ऑयल हमारी अब गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए लहसुन अदरक और मिर्ची डाल दूँगी, और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। थोड़े से अच्छे तरीके से इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर ले, और ये हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालकर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर आपको लहसुन अदरक और मिर्च और प्याज को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना है, इस बात का आप ध्यान दें। और गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखकर इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है, यहाँ नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम मीडियम ही रखें। तो अब मैं इसमें बाकी की सब्जियाँ भी एक एक करके सारे डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर गाजर को डालकर 1 से 2 बार इस तरीके से मिक्स करके चला लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर अब मैं बीन्स को डाल दूँगी। बीन्स को भी इसी तरीके से 1 मिनट तक चलाते हुए पका ले, अच्छे से फ्राई कर ले थोड़ा। अब मैं इसमें शिमला मिर्च को भी डाल देती हूँ, इसे भी मैं थोड़ी देर चलाकर फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जियों को आपको अच्छी तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है, एकदम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहें इस तरीके से चलाते हुए। अब मैं इसमें लास्ट में मटर डालूंगी, क्योंकि मटर पहले डालने से वो फूटना स्टार्ट हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मटर भी फ्राई हो चुके हैं, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दे रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप इसे किसी दाल के साथ खा रहे हैं तो आप इसमें सॉल्ट कम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। और इसमें मैं थोड़े से हल्दी पाउडर भी डाल दे रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। इसमें हल्दी पाउडर आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर ले रही हूँ, और मैं बस 1 मिनट के लिए इसे कवर करके थोड़े से पका लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जियाँ अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़े से गरम मसाला पाउडर डाल दे रही हूँ, इसे भी अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक चलाकर पका लेती हूँ। इससे भी बहुत बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा फ्रेंड। अब मैं इसमें सोक किए हुए राइस मिक्स कर लूँगी, और इसे अच्छे तरीके से भुने हुए वेजिटेबल के अंदर चलाते हुए मिक्स कर ले। ये देखिए अभी हो चुका है मिक्स। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए काजू, सोया बड़ी और खड़े मसाले सब इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी मैं उसी गिलास से डालूँगी जिस गिलास से मैं चावल मेजर की थी। एक गिलास मैं पानी डाल चुकी हूँ, अब मैं दूसरा गिलास पानी यहाँ पर डाल रही हूँ। टोटल मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी डाली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी इसे, और बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे ढके हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर ले रही हूँ कि अच्छे से पके हैं या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे शाही पुलाव एकदम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पककर रेडी हो चुका है। और देखिए यहाँ पर राइस कितने अच्छे से एकदम खिले खिले पके हैं, बिल्कुल ही ये खाने के लिए रेडी है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्लेटिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे शाही पुलाव।
और ये देखने में जितने बढ़िया लग रहे हैं खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और अगर ये हमारा वीडियो और रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।